अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है शहबाज। वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे कि कमटीशिया को यूज़ करते हुए हम वीडियो एडिटिंग किस तरह कर सकते हैं। तो सबसे पहले इसकी बेसिक सेटिंग पे देख लेते हैं कैनवास की हमने क्या करनी है। तो लास्ट वीडियो में जैसा कि आपको बताया था, ये स्क्रीन होगी जिस पर हमने वर्क करना है। तो राइट क्लिक करके आप इधर आ सकते हैं प्रोजेक्ट सेटिंग में। प्रोजेक्ट सेटिंग में हम अभी यूट्यूब के लिए कर रहे हैं या पीसी के लिए कर रहे हैं, इंस्टाग्राम या रील्स वगैरह के लिए नहीं हम वीडियो रिकॉर्ड कर रहे, उसकी हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे सेटिंग्स वगैरह क्या हैं। तो बेसिक साइज इन्होंने कैनवास साइज इधर कुछ दिए हुए हैं, हम उन पे वर्किंग कर सकते हैं। 1080 पीसी और यूट्यूब वगैरह के लिए रहता है। बाकी आप कस्टम भी एडिट कर सकते हैं, इसे कोई साइज आप इसे देना चाह रहे हो अपनी मर्जी का तो वो भी कर सकते हैं। कैनवास का कलर चेंज कर सकते हैं, यहाँ से मैं ग्रे ही कर देता हूँ। और एफ पी एस आपने लाजमी देखने, एफ पी एस जो है नॉर्मली 60 भी आप कर सकते हैं, 50 भी, लेकिन नॉर्मली जो है ज़्यादातर 30 पे यूज़ होता है। तो मैं भी आपको ये रिकमेंड करूँगा कि ऑटो नॉर्मलाइजेशन लाउडनेस को इसे आपने चेक ही रहने देना और अप्लाई। ये अब हमारी कैनवास की सेटिंग हो चुकी है और हम अब वीडियो को इम्पोर्ट कर लेते हैं जिसको हम एडिट करना चाह रहे हैं। फाइल में जाके भी न्यू प्रोजेक्ट, ओपन प्रोजेक्ट कर सकते हैं या इम्पोर्ट प्रोजेक्ट कर सकते हैं। तो मैं अब ये एक वीडियो है और साथ काम ही कर देता हूँ, ज़रूरत तो नहीं है। मैं भी ये देख सकते हैं बिल्कुल स्लो किया ऑडियो, तो अब ये देख सकते हैं आप ऑडियो की काफ़ी लंबी लाइन है, ज़्यादा लंबी है। और अब वीडियो हमारी छोटी है, शॉर्ट सा क्लिप है वीडियो का। तो सबसे पहले हम ऑडियो एक्स्ट्रा ऑडियो को यहाँ से ख़त्म करते हैं। तो आप अपने इस स्लाइसर पकड़ेंगे और यहाँ ले आएंगे जहाँ हमारी वीडियो ख़त्म हो रही है। और याद रहेगा कि ऑडियो वाला क्लिप सेलेक्ट किया और इधर से आपने स्लाइसर पे क्लिक कर देना या स्प्लिट पे, और ये एक्स्ट्रा पार्ट को हमने कर देना है। अब आप देख सकते हैं ये हमारी दोनों की लेंथ बराबर हो गई है, ऑडियो और वीडियो की। अब हम इन्हें ग्रुप भी कर सकते हैं, लेकिन अभी कुछ और चीज़ें देख लेते हैं। इसी तरह हम वीडियो में से कोई एक्स्ट्रा पार्ट रिमूव करना चाह रहा हूँ तो उसे भी हम कर सकते हैं। मुझे लगा जी ये शुरू वाला हिस्सा मैं नहीं रखना चाह रहा, तो मैं इसे भी रिमूव कर सकता हूँ। अब मैंने ऑडियो भी सेम साइज़ की कर लिया, तो इसीलिए मैं दोनों को सिलेक्ट करके सेपरेट कर दूंगा, जिससे ये दोनों ही अलग अलग पीसीज में कन्वर्ट हो जाएंगे। तो अब मैं इन दोनों पीसीज को सिलेक्ट करूँगा और डिलीट कर दूँगा। अब ये स्टार्ट में ले आऊँगा। यहाँ कुछ लिखना चाह रहे हैं तो यहाँ से आप कुछ लिखना चाह रहे हैं तो कोई भी आप टेक्स्ट बॉक्स उठा के टाइप कर सकते हैं। मैं लिख देता हूँ सब्सक्राइब चैनल। अब हमने ये टेक्स्ट बॉक्स लेके आए हैं तो टेक्स्ट बॉक्स की भी सारी प्रॉपर्टीज यहाँ पे ओपन हो गई हैं। आप यहां से कलर चेंज कर सकते हैं, इसका ग्रीन कर देते हैं, साइज कंट्रोल कर सकते हैं, रेगुलर है बोल्ड कर देते हैं, थोड़ा सा अलाइनमेंट वगैरह, लाइन स्पेसिंग, वर्टिकल स्पेसिंग, हर सारी सेटिंग्स हैं, बाकी आप एक्सप्लोर कीजिएगा ज़्यादा बेहतर समझ आती है। चलें जी हम इसे इधर कर देते हैं, ये भी कुछ एरिए के बाद ख़त्म हो जाएगा। इसको भी हम कोई इफेक्ट दे सकते हैं। चलें जी बिहेवियर्स में ये एड जिस पे भी कोई इफेक्टिव अप्लाई करना है उसको आपने सेलेक्ट करना है। सबसे पहले उस क्लिप को सेलेक्ट करना है, फिर वो अप्लाई होगा या ड्रैग एंड ड्रॉप करके उस क्लिप के ऊपर आप छोड़ सकते हैं। अब ये हमारा बिहेवियर इस पे टेक्स्ट पे अप्लाई होगा। और इसी तरह ऐड कर देते हैं जिसमें हम इसी को कॉपी करके पेस्ट कर देते हैं, जिस पे लिख देते हैं जी थैंक्स फॉर वॉचिंग। इसे भी सेम साइज का कर दिया। ये हमारी अब एक छोटी सी बेसिक सी वीडियो तैयार हो गई है और यहाँ से आप इसे एक्सपोर्ट करके सेव कर सकते हैं। कस्टम सेटिंग में जाके मैं यूट्यूब के लिए कर रहा हूँ तो डायरेक्ट यूट्यूब पे भी कर सकता हूँ, पर मैंने यूट्यूब पे डायरेक्ट शेयर नहीं करनी तो इसलिए मैं इसे कन्वर्ट ही करके सेव करता हूँ। नेक्स्ट जो आप अपना पाथ देना चाह रहे हैं, नाम रख दें
और फिनिश, ये आपकी वीडियो सेव होना शुरू हो जाएगी। और बाकी ये बेसिक आपको वीडियो एडिटिंग बताई है, इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट वीडियो में हम इसके बाकी ऑप्शंस भी जो रह गए हैं उन्हें देखेंगे, एनिमेशंस को देखेंगे, इफेक्ट्स को देखेंगे, जूम इफेक्ट वगैरह देखेंगे कि किस तरह हम वीडियो में जूम कर सकते हैं। तो वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अल्लाह हाफिज़।